हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हिंदी एवी नोट्स के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में आप जानेंगे चतुर्भुज की सभी प्रकार और प्रमेयों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति को चतुर्भुज कहते हैं और चतुर्भुज मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहले समांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम। जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 अंश होता है। अगला समचतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा आपस में बराबर तथा सामने वाली भुजा के समांतर होती है समचतुर्भुज कहलाता है। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज भी होता है, परंतु प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज नहीं होता। समलंब चतुर्भुज यानी ट्रेपेजियम, वह चतुर्भुज जिसमें समांतर भुजाओं का एक जोड़ा हो समलंब चतुर्भुज कहलाता है। आयत रेक्टेंगल, वह चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश का हो तथा आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हों आयत कहलाता है। प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, परंतु प्रत्येक समांतर चतुर्भुज आयत नहीं होता। वर्ग यानी स्क्वायर, वह चतुर्भुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो तथा सम्मुख भुजा के समांतर हो तथा प्रत्येक कोण 90 अंश हो वर्ग कहलाता है। प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, परंतु प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होता। अब कुछ प्रमेय देख लेते हैं। यदि एबीसीडी कोई आयत है तथा ओ आयत में कोई बिंदु है, तब OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। यदि एबीसीडी एक समचतुर्भुज हो तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। एक ही आधार पर तथा दो समांतर रेखाओं के बीच बने चतुर्भुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, यानी एरिया ऑफ ABCD बराबर एरिया ऑफ BCFE। एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज के क्षेत्रफल आपस में बराबर होते हैं, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल बीसीडी। ये चित्र में आप देख सकते हैं। समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाने से बना चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है तथा इसका क्षेत्रफल पहले चतुर्भुज का आधा होता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इसी प्रकार के ढेरों वीडियोस हम लेके आने वाले हैं, तो प्लीज़ हिंदी एवी नोट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अभी तो ये सिर्फ हम प्रमेय और फॉर्मूले और क्या होता है यही सब बता रहे हैं। आगे हम ढेर सारे सवाल जो पिछले सालों में पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल में और बैंक एग्जाम्स में, सारे लेके आने वाले हैं इसी तरह। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हिंदी एवी नोट्स, ताकि आप समय पर सारे वीडियोज़ देख सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।